नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बिल लखनऊ में। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज है 17 अप्रैल 2019। आज की कौन कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है वीडियो भर्ती को लेकर, और दूसरी बड़ी खबर आ रही है डायरेक्ट सेना भर्ती रैली को लेकर, और तीसरी बड़ी खबर आ रही है SSC 2017 को लेकर। आइए पूरी जानकारी को हम विस्तार से बताते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जो देखेगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, और साथ ही साथ लाइक बटन को जरूर दबा दें मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं मित्रों। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली खबर पर हम लोग आते हैं, बरेली के जाट, आप देख सकते हैं बरेली के जाट रेजिमेंटल सेंटर में सेना भर्ती रैली 27 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के तहत बरेली स्थित जाट रेजिमेंटल सेंटर में 27 से 31 मई तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, इसमें सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक ट्रेड्समैन, खिलाड़ी व सैनिक लिप्त पदों के लिए भर्ती होगी। 22 से 27 अप्रैल तक स्पोर्ट ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी रैली में शामिल हो सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिक सम्मान ड्यूटी के पद के लिए हरियाणा के अभ्यर्थियों के लिए 27 मई, राजस्थान व अन्य राज्यों के लिए 28, और यूपी उत्तराखंड के लिए 29 मई को भर्ती रैली होगी। सैनिक ट्रेड्समैन और खिलाड़ियों के लिए 30 मई, और सैनिक लिपिक के लिए जाट रेजिमेंट के सेवारत भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए 31 मई तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को मेडिकल 29 मई तक होगा, लेकिन परीक्षा प्रवेश पत्र वितरण 25 मई व परीक्षा 28 मई को होगी। दस्तावेज की जांच के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 4 बजे भर्ती स्थल पर पहुंचना होगा। आइए नेक्स्ट खबर पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट खबर आ रही है साथियों वीडियो भर्ती को लेकर। वीडियो भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने आयोग और प्रदेश सरकार से मांगा जवाब, आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट ने 3133 ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में एस श्रृंखला के प्रश्न संख्या 77 के विकल्प में बदलाव को लेकर दाखिल याचिका पर अधीन सेवा चयन आयोग और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। गाजीपुर के दीनदयाल चौहान की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार ने दिया है। याचिका का कहना है कि पहले विकल्प सी सही था, पुनरीक्षित उत्तर कुंज में विकल्प बी को सही माना गया है, जबकि विकल्प सी सही। इस बदलाव की वजह से याचिका को चयन से बाहर कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट खबर पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट खबर आ रही है SSC की तरफ से, यहाँ पर देख सकते हैं SSC पेपर लीक में 24 तक मांगी रिपोर्ट। यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से 24 अप्रैल तक नई स्थिति रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि पिछली तारीख पर कोर्ट ने मामले की जांच की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया था। इस पर CBI के वकील ने कहा है कि एजेंसी ने 3 बार रिपोर्ट पेश की, इस पर कोर्ट ने नई प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है। तो आज की इतनी खबर थी मित्रों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, शुक्रिया।